रमनीक, मुझे बहुत घबराहट हो रही है रमनीक। अब क्यों घबरा रही हो? अब तो सुष्मिता गई। रमनीक वो गई नहीं, वो भाग गई है। तो क्या हुआ? रमनीक वो वापस आएगी, वापस आएगी वो। अरे वो कोई भूत थोड़ी है जो बदला लेने वापस आएगी। सुष्मिता दीदी दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। सुष्मिता दीदी दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। सुष्मिता दीदी, सुष्मिता दीदी। शनाया, शनाया, शनाया बेटा उठो, अब सपना देख रही हो बेटा। शनाया मुझे फिर वही सपना आया। बेटा अब घबराने की जरूरत नहीं है, सुष्मिता हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। पक्का या पापा? हाँ बेटा हाँ। जाओ बेटा तुम लोग खेलो जाके, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दीदी इससे खेले? नहीं, 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 नहीं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। दीदी हमें मारो मत, आप जो कहोगे हम वही करेंगे। दिन किच 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 अंदर चलो। नहीं नहीं दीदी, नहीं दीदी, नहीं दीदी, नहीं दीदी, दरवाजा खोलो दीदी, दरवाजा खोलो। दीदी दीदी ओ हाँ जी सियान, हमें नहीं खेलना है इससे, दूर जाके फेंक दे इसे। प्लीज अनन्या, तीन बारी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ बेटा। अरे बच्ची कह रही है तो और दे दो ना उसको। रमनीक इसने अभी थोड़ी देर पहले इतना बड़ा बाउल नूडल्स का खाया है। नूडल्स? माँ मैंने कोई नूडल्स नहीं खाए। नहीं खाए? अभी तो मैं यहाँ पूरा का पूरा बड़ा बोल रख कर गई हूँ। मम्मा जब मैं आई थी तब यहाँ का बोल एम्प्टी था, मुझे लगा इन दोनों ने खा लिया होगा। शनाया सियान आपने सारा खा लिया, दीदी के लिए रखा भी नहीं। नूडल्स? मैंने कोई नूडल्स नहीं खाए, मुझे लगा कि दीदी ने खा लिए। और मैंने भी नहीं खाए। ठीक है बेटा मैं आपके लिए और लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं तुम रुको, ये ले बेटा। बेटा सुष्मिता दीदी जा चुकी है, कुछ नहीं है। आप रिलैक्स करो बेटा, सो जाओ, लेट जाओ, सो जाओ। पुनीत, पुनीत उठो ना, मैं तैयार हो गया हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, नाश्ता दे दो। रमनीक कल सुष्मिता आई थी क्या? क्या सुष्मिता? हाँ कल रात को वो मेरे सपने में आई और वो मुझे कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। रमनीक मुझे बहुत डर लग रहा है। रमनीक वो बहुत चालाक है, वो हमें नहीं छोड़ेगी। तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो पुनीत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, खैर छोड़ो।
तुम रहने दो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं वहीं नाश्ता कर लूंगा। रमेश वो हमें नहीं छोड़ेगी, वो वापस आएगी। रमेश वो वापस आएगी। दीदी आपने क्या मेरी मैथ की नोटबुक देखी है? अरे तूने इस अलमारी में तो रखी थी। अरे हाँ। सम्स की प्रैक्टिस कर लेती हूँ। दीदी आपने मेरे नोटबुक में अपने सम्स क्यों किए? मेरी पूरी नोटबुक खत्म कर दी। मैं तुम्हारी नोटबुक में सम्स क्यों करूंगी? ये देखो मैंने सिर्फ 9-10 पेजेस में सम्स किए हुए थे, आपने पूरी नोटबुक खत्म कर दी। शनाया मैंने नहीं किया है, मैं तो 3 दिन से हिंदी और इंग्लिश की ही प्रैक्टिस कर रही थी। सियान से पूछ ले, अगर उसने की हो तो। सियान वो छोटा सा, सारे सम्स राइट कर लेगा। मैंने नहीं किए, प्रॉमिस। मम्मा मम्मा देखो ना, मेरी पूरी की पूरी नोटबुक भर गई। अरे आपने नहीं भरी, अनान्या ने नहीं भरी, और सियान को तो समझ आते ही नहीं है, तो ये कैसे भर गई? कोई भी नहीं है, रमीक भी नहीं आए अभी, तो ये नान्या बाहर बातें किससे कर रही है? शनाया बेटा आप प्लीज देख कर आना, नान्या बाहर किससे बातें कर रही है। ठीक है मम्मा। मम्मा क्या हुआ शनाया, वो किससे बात कर रही है? सुष्मिता दीदी से। क्या? नहीं दीदी ये मुझे नहीं खाना, प्लीज आप इसे ले जाओ। अरे पुनीत, पुनीत ये क्या कर रही हो तुम? रमेश हमारे घर में बुरा साया है, उसे भगा रही हूँ। बुरा साया? कितनी बार कहा है टीवी सीरियल कम देखा करो। रमनीक आपको नहीं पता हमारे घर में सुष्मिता का प्रकोप है, मैं उसको भगा रही हूँ। सुष्मिता तो कब की चली गई? नहीं मुझे उसकी आवाज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है वो यही कहीं है, आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। आलतू जलाल तू, आई भला को टाल तू, आलतू जलाल तू, आई भला को टाल तू, आई बोल, आलतू जलाल तू, आई भला को टाल तू। नहीं दीदी, नहीं दीदी, नहीं दीदी, नहीं दीदी, नहीं दीदी, नहीं दीदी, दीदी, नहीं, नहीं सुष्मिता दीदी, नहीं सुष्मिता दीदी, दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा, पापा, क्या क्या हुआ शनाया? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? वो सुष्मिता दीदी। बेटा सुष्मिता दीदी तो जा चुकी है। नहीं पापा, वो रोज आती है मेरे सपनों में, उसने मुझे अंधेरे वाले रूम में बंद कर दिया था। रमनीक मैंने आपको कहा था ना कि सुष्मिता का साया हमारे घर में घूम रहा है। ये तुम्हारा वहम है। अभी भी आपको यही लगता है उसका बार बार शनाया के सपने में आना, शनाया की नोटबुक्स में वो सम्स, घर की डोरबेल का बेवजह बजना, और अब तो हद ही हो गई। अनाने एक दिन उससे बैठ के बातें कर रही थी। बातें? हाँ मैंने खुद देखा, अनाने उसके 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 साए से बैठ के बातें कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आपसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब कहाँ जा रही हो? रमनीक आप आओ मेरे साथ।
अरे ये तुम क्या कर रही हो? सुष्मिता का जितना भी बचा हुआ सामान है उसको बाहर फेंक रही हूँ। लेकिन उससे क्या होगा? आपको हो ना हो, मुझे मेरे बच्चों की बहुत फिक्र है। ये सब बचपना छोड़ो, इससे कुछ नहीं होगा। हमें शांति से बैठकर सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। दीदी आपने मेरे कलर्स देखे? वो तो मैंने सुष्मिता दीदी को दे दिए। कब? अंकल वो कह रही थी मेरी बेटी के लिए कलर दे दो, तो मैंने दे दिए। मामा। हाँ बेटा। सुष्मिता दीदी कहाँ पर है? सुष्मिता दीदी? मामा अनान्या दीदी कह रही थी कि उन्होंने सियान के कलर्स सुष्मिता दीदी को दे दिए, वो भी कल। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं, तुम अभी जाओ, मैं तुमको नए कलर्स ले दूंगा। देख लिया आपने, मैं आपको कह रही हूँ कुछ तो गलत हो रहा है हमारे घर में। आप रहने दो, आपको नहीं पता, मुझे अब पता है क्या करना है। अब क्या करना है तुम्हें? वो मेरी फ्रेंड है ना अनीता, वो एक बाबा को जानती है जो बुरे साए के प्रकोप को भगा देते हैं। ये ठीक रहेगा, उससे उनका नंबर लेती हूँ। ओहो, आज के जमाने में तुम ये तकिया लूसी बातें कर रही हो। तो मैं क्या करूँ रमीक, आपने बच्चों की हालत देखी है ना। मुझको पता है क्या करना है, लवलीन को बुलाते हैं। लवलीन को? वो तो एक साइकियाट्रिस्ट है। वो ही हमारी मदद करेगी और हमें बताएगी इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। हेलो लवलीन, हेलो लवलीन, हेलो।